तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो वह मैं अगर आपको कोई गाड़ी वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, तो मेरा वही आरटीओ जा रहा हूँ, सिविल सेक्टर 28 जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। तो फिर अगर आपको दिखा दो कि ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या होता है, वही एक तरह से व्लॉग भी मान लो। अभी एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको ड्राइविंग टेस्ट दिखा देता किसमें का। तो भाई मैं हाँ इसी में ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ, मैं इनोवा में ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ। पहले गाड़ी निकाल लेते हैं भाई। अब भाई को ये मत बोलना कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो गाड़ी चला क्यों रहे हो। तो भाई साहब अभी गाड़ी निकाल ही रहा हूँ, मेरे ड्राइवर आए हुए हैं तो मैं उनके साथ ही निकली। मैं बता रहा था आपको कि सॉरी वो फ़ोन आ गया था, बीच में काटना पड़ गया। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बस अभी गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं चला नहीं रहा हूँ, मेरे ड्राइवर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता भी आज, उनसे मिलवाता भी, मैंने आपको किसी भी वीडियो में उनसे मिलवाया नहीं है। तो भाई उनसे आपको मिलवा भी था। अगर मैं आपको टाइम और डेट दिखा देता हूँ, तो भाई आज की तारीख अगर मैं बताऊँ तो आज की तारीख है 27 सितंबर 2022 है आज की तारीख। और अगर आपको टाइम देखो तो ये देखो टाइम ये हो रहा है, करीब करीब 7:57 एग्जैक्ट टाइम है, अगर आपको दिख रहा होगा। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं पक्का ध्यान रखूँगा। तो ये चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी हमारी प्यारी। तो ये गाड़ी को कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर 15-30 सेकंड रुक जाते हैं तब तक भाई मैं मिरर खोल लेता हूँ। और आपको ये देखो जो फोन माउंट भी मैंने लिया है, आपको बता देता हूँ। खुल गया आपको भाई एक चीज और बता देता हूँ, इन गाड़ियों में आपको मतलब ये जो मॉडर्न कार्स है आपको 15-30 सेकंड ही स्टार्ट छोड़ना होता है, इसके बाद आप चला सकते हो। और ज्यादा देर आप छोड़ दोगे तो और बेटर है, लेकिन आप 15-30 सेकंड भी छोड़ोगे तो काफी है। तब तक मैं आप ये मिरर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो भाई 15-30 सेकंड इसी में हो जाते हैं। तो फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, लगा लिया आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो ऐसे क्रेटा के बगल में लगाई है और ये वैगन आर एस के बगल में लगाई है। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ होता है, वो भी साथ ही साथ आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी आप समझ सकते हो और साथ ही साथ आप इसको वो भी समझ सकते हो, ऐसा कि हाँ आप ये आप मतलब एक तरह से ब्लॉग भी समझ सकते हो, एक तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो भी समझ सकते हो। मैं आपको दिखाया तो आपको चाहिए क्या क्या होता है, तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो कि भाई आपका 1 महीना पुराना एटलीस्ट होना चाहिए। और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपकी सबसे और एक मुख्य बात यह कि आपको आपके ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले एक रेड टेप है, ये इलेक्ट्रिकल रेड टेप है, आपको दिखाया तो भाई ये कल बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं कल रात में लाया था। ठीक है, और प्लस आपका एक ये लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, और साथ साथ आपके और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एक फॉर्म 1 होता है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसके बाद एक फॉर्म 2 होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपको। ठीक है, CMV फॉर्म आपको दिखाया था, तो ये देखो कुछ ऐसा फॉर्म है, मेरे को एड्रेस वगैरह फोन नंबर वगैरह मैं छुपा दूंगा क्या इसमें। ठीक है, और आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप भी चाहिए जो कि ये होती है, और आपको एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ड्राइविंग स्किल के, तो क्या हो गया गुस्सा जी। ठीक है, और सॉरी भाई वो कोई बोल रहा था, मेरे को गाड़ी यहाँ पर गाड़ी लगाने का बड़ा पंगा है। ठीक है, और आपको रुको फिर लगा देता हूँ, रुको रुकना भाई, ये पंगा हो गया थोड़ा, पंगा तो खैर कुछ नहीं हुआ, पार्किंग प्रॉब्लम्स, रुक जा मेरा भाई। भाई मैं कैसे निकलूंगा कोई मेरे को बताएगा। ये देखो भाई चलो लगा दी गाड़ी, भाई मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, नहीं निकल तो जाऊंगा। हाँ तो भाई आगे हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आ जाएगी भाई गाड़ी, गाड़ी आ जाएगी। हाँ तो भाई ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होगा, और आपके और बता दो आपके आधार कार्ड के जो भी आप डॉक्यूमेंट आपने लर्निंग लाइसेंस के समय सबमिट किया है उसकी फोटो कॉपी आप एक ले लेना। आई एम नॉट श्योर कि वो चाहिए या नहीं, लेकिन भाई देखो
सरकारी ऑफिस है तो क्या आपको कुछ पड़ जाए तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई, और चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अब मैं आपको ATD चल के दिखा देता हूँ। अरे बात हो गई, अब मैं आपको ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट 19/28 में चल के दिखा देता हूँ। मतलब आपको मैं रिकॉर्ड करने की भाई देखो पूरी कोशिश करूंगा, अगर अलाउ करते तो ठीक है, नहीं करते तो भाई कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि क्या क्या बनवाते हैं। तो अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उल्टा आइस बनवाते हैं, मतलब रिवर्स में आपको आइस बनाना होगा, मैं आपको दिखा दूंगा सब कुछ ट्राई करूंगा। उसके बाद आपको एड बनाना होता है फॉरवर्ड में, उसके बाद पैरेलल पार्किंग और अपग्रेडेंट। मतलब कि क्या होगा, अपग्रेडेंट में क्या होता है कि आपकी चढ़ाई पे गाड़ी रुकवा के वो कहेंगे आप फिर चढ़ाओ, आपकी गाड़ी 12 इंच से पीछे नहीं जानी चाहिए। तो भाई ये बात होगी। अब भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में ऐसा हो जाता है कि लोग देख रहे थे भाई क्या रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर वो शर्म से आने लगती है। तो भाई ये बात होगी। तो चलो आगे वीडियो में बढ़ते हैं, मैं आपको मिलता तब जब मैं निकलने वाला हूँ अपने ड्राइवर साहब के साथ, मैं आपको उनसे भी मिलवा दूंगा आज। उन्होंने ही मेरे को सिखाई थी भाई, एक बार आप भी मिलना देख लो। और भाई प्रे करो कि मैं पास हो जाऊँ। अच्छा तो उम्मीद तो यही है कि वो यही करे तो पास हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ मैं बाद में। तो भाई अब निकल रहे फाइनल, थोड़ा सा लेट हो गया तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं यार। मगर गाड़ी दूसरी जगह लगा के कपड़ा मारता हूँ कि यार मिर्ची डालना पड़ा। अब भाई प्लीज़ कोई भाई ऑफेंड मत हो ना, डॉग्स चढ़ रहे थे तो इसलिए कि स्क्रैच वगैरह मार देते हैं। तो भाई देखो ऐसा नहीं है, मैं खुद डॉग लवर हूँ भाई, करना पड़ जाएगी। लेकिन भाई देखो गाड़ी से भी उतना प्यारा, गाड़ी का नुकसान नहीं कर सकती, करना नहीं चाहिए था। 2-3 बार ट्राई किया कि वाइपर ऊपर करके, वैसे तो भाई हुआ नहीं, लेकिन मिर्ची काम कर गई। मैं अभी हटा दूंगा, जब कुत्ता चढ़ना बंद हो जाएगा ना मैं इसे हटा दूंगा। भाई देखो मैं डॉग्स को खुद खिलाता हूँ, आप भी खुद खिलाया करो यार, ठीक है। तो भाई मैं गाड़ी एक बार लगा लेता हूँ दूसरी जगह, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई मैं गाड़ी उधर उस पेड़ के पास लगाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलो चलो जी, अब आपको बाकी भाई मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, मैं RTO तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं अभी बस गाड़ी उधर ही लगा रहा हूँ। आप प्लीज कोई ऑफेंड मत होना कि भाई तेरे पास लाइसेंस नहीं तो चला क्यों रहा है। तो भाई देखो मैं ऐसा भी नहीं कि एकदम अनएक्सपीरियंस हूँ, आती ही मेरे को चलाने, 3-4 साल से चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे। छोड़ में भाई भेड़ी तो नहीं आज तक, खैर मैंने, और मैंने इनोवा भी भाई 3-4 बार चलाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को। तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, चलाने में बहुत मज़ा आता है इसको। मतलब ना ये चिपकाने वाले काम करती है बस, हाँ इसमें उतना मज़ा नहीं आता, बस नहीं होता तो इसमें उतना स्वाद नहीं है। मतलब इतना सेंस मैं बताऊँ आपको, उतना चलाने में मज़ा नहीं है। अंकल उधर चले गए थे, ये देखो ये अंकल आ गए, आपको दिखा देता हूँ। डैश कैम की तरह थोड़ा काम कर रहे हैं। तो भाई आपको अंकल से भी मिलवा देते हैं, अभी थोड़ा गुस्सा करेंगे मेरे पे। तो भाई चलो, अरे वो उधर लगानी पड़ेगी ना, जगह ही नहीं मिली इधर। कपड़ा मार देता हूँ एक बार, रुको भाई कपड़ा भी मारना पड़ेगा एक बार, गाड़ी में गंदी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। छोड़ो ना मैं ही मार देता हूँ, फटाफट में मार देता हूँ। तो भाई कपड़ा मार के मिलता हूँ आपसे। तो भाई फाइनली निकल गए, आपको टाइम दिखा तो 7:42 हो गए। तो ये अंकल से मिल लो, अंकल हाई बोल दो थोड़ा। हाँ। तो भाई अभी बस निकल रहे, टाइमली पहुंच गए, टाइम से तो खैर पहुंच जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा अंकल? अभी वो तो गूगल चार्ज बंद। नहीं फिर भी आपके अंदाज जाम नहीं मिला तो आधा घंटा। तो भाई आधे घंटे में अगर जाम नहीं मिला तो पहुंच जाएंगे दिल्ली में भाई, यही पंगा है। आपको पहुंचना है घंटा पहले ही निकलो। तो भाई चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ, फिर उधर भी मिलता है, आपको दिखा दो कि कैसे क्या क्या होता है। शूट कर पाया तो ठीक है, नहीं तो भाई आपको एंड में बता ही दूंगा कि क्या क्या होता है। चलो भाई ठीक है, जाम में फंस गए। ये आपको उधर झड़ौदा चौक है, इस पर जाम लगता है इस समय। और पता नहीं क्या है, उधर से रॉन्ग साइड में लोग आते तो पूरा जाम कर देते हैं। अरे पता नहीं रॉन्ग साइड लोग आते क्यों, मेरे को रॉन्ग साइड वालों पर बड़ा गुस्सा आता है। एक तो भाई डेंजरस भी है, जाम भी करते हैं। क्यों अंकल? भाई रॉन्ग साइड तो एकदम मत जाया करो यार, बहुत डेंजरस है। प्लस उसका आप बता दो, अगर आप पकड़े भी जाते तो आपको 6 महीने की जेल भी है, इस पर आपको बता देता हूँ ठीक है। अगर किसी भाई को नहीं पता, अगर आप ज़्यादा रॉन्ग साइड चलते हो वे, खैर मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप चलो, मैं किसी को ऐसा ट्रॉल नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यार देखो मत चलाया करो,
और भाई ये आपको बता दो, झड़ौदा मेरे घर से कितना दूर होगा अंकल? झड़ौदा घर से 700-800 मीटर? नहीं, एक डेढ़ किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से भाई। इसी इधर ही टाइम खराब होता है, गूगल मैप पे टाइम चेक किया तो फिर 37 मिनट दिखा रहा है। तो भाई देखो पहुँच जाते हैं, पहुँच के आपको दिखाता हूँ, वो फुली टाइमली पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो भाई आपको और रास्ता दिखा दो, जाम को आपको क्या ही दिखाऊंगा। देखो ये बंदे ऐसे, मतलब ये तो खैर लेडी है, फिर भी यार क्राइम गलत चीज़ तो गलत है ना, कोई लेडी हो कोई जेंट्स हो भाई, ये तो गलत है ना। इन लोगों पे मतलब इतना गुस्सा आता है भाई, डेंजरस कितना है। और ये भाई देखो लोगों को भी कितनी तकलीफ हो रही है यार, ये देखो इतना जाम लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। बताओ मैं भाई ये दिल्ली पुलिस से यही आशा करता हूँ कि मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ करो ऐसा, प्लीज पुलिस ऑफिसर को एक लगाओ इधर सुबह सुबह के एटलीस्ट टाइम पे, कि ये लोग रॉन्ग साइड ना है भाई। ये बहुत मतलब ना इरिटेटिंग भी है, डेंजरस भी, बहुत सारी चीज़ है यार, आप समझ सकते हो। रॉन्ग साइड का हाईवे पे जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है भाई, रॉन्ग साइड में जो गाड़ी आती कितना डेंजर करती है। हम लोग भी चलते तो भाई ये ट्रक वाले उधर चलते यार, इतना मतलब उन पे तो कभी का ट्रक वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे भैया तुम्हारी बड़ी गाड़ी है यार, तुम लोग तो थोड़ा ढंग से चल लो। पर नहीं, वो लोग भी नहीं चलते भाई, अब उनका भी खैर क्या बोलेंगे, उन लोगों को भी अपना कमांड है। लेकिन भाई यार देखो जान के आगे कुछ नहीं, अगर भाई देखो ट्रक वाले भाई कोई देख रहा है भाई, देखो अगर आप भी किसी को भिड़ते हो आप भी बात है कि तो क्यों ऐसे रॉन्ग साइड लेना आप लोग भी। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सब, अब मैं इनके चेहरे हाइड कर दूंगा, नंबर आप भले ही देख लेना इन गाड़ियों का भाई। ये देखो कोई हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ, बहुत बढ़िया। और ये देखो, अरे ठीक है सबको पैसा कमाना है, 2 मिनट बचाने के लिए क्या हो गया, 2 मिनट बचा के कहाँ जाओगे मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। क्यों अंकल? बिल्कुल तो डेंजरस भी कितना है बताओ, बहुत डेंजरस। और कोई भेड़ गाय कोई गाड़ी वाला रात में भेड़ दे तो बोल दोगे गाड़ी वाले की गलती। अब ये नहीं देख रहा कोई कि रॉन्ग साइड से भी सामने आ रहा है वही। चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ। फाइनली खुला रोड मिला है, टाइम अगर आपको एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 8:25 दिखा रहा है, 8:30 बजे तक पहुँचना तो भाई होपफुली पहुँच जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 28 जो कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है, वहाँ पर जा रहे हैं। अब तो खैर बहुत सारी जगह आ गई, वही मैप लगा देता हूँ, दूसरे फ़ोन में लगा दिया पहले, मैं मम्मी का फ़ोन लेके मेरे को उनका ही नंबर देना पड़ गया था, रीज़न भी आपको बाद में बताएंगे अभी नहीं। तो भाई ये रिंग रोड वाला दूसरा रोड दिखा रहा है, तो अरे ठीक है ठीक है गूगल बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा तो मेहरबानी आपकी। तो गूगल बाबा बता रहे हैं, पहले कोई दूसरा रूट बता रहे थे, अंदर अंदर से भाई इतनी बड़ी गाड़ी को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पर देखो कैमरे ही है। और आपको बता दो ये कौन सा रोड है अंकल? जीटी रोड है ना? नहीं, जीटी रोड नहीं है। ये वो है कौन सा, ये समझ लो रिंग, आउटर रिंग, आउटर रिंग रोड है दिल्ली में, मतलब ये भलसवाड़ एरिया से होते हुए ये वजीराबाद तक जाता है। तो यहाँ पर आपको 60 किलोमीटर मिलती है, अगर कोई बंदा कोई भाई अपना दिल्ली के बाहर से आए तो। आपको बता रहा हूँ, आपको बता इस पे कैमरे भी है, तीन चार है, ज्यादा है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही कैमरे है इस पे बहुत। और मेरी गाड़ी के भी चलाने इनोवा के भी कट चुके हैं बहुत ज्यादा, गलती से ही कटे जानबूझ के, कोई भगा नहीं रहते हम लोग। तो भाई अभी देखो ये जाम वापस मिल गया, मतलब दिल्ली में जाम आपको मिलेगा ही, इसका कोई वो नहीं है। वही चलो आपको और भी चीजें दिखाते हैं, एक और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है अंकल? तो ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर। और ये आपको बता दें तो ये यहाँ से आप करनाल के लिए भी जा सकते हो, करनाल के लिए अभी शायद से चला गया, नहीं अभी एक आएगा शायद से, यहाँ से लेफ्ट एक आएगा, मैं आपको रास्ता ही दिखा देता हूँ गूगल मैप्स में देख लूँ। आप यहाँ से लोगे तो ये लेफ्ट आप लेके करनाल जा सकते हो। और यहाँ से भाई मैं आपको बता दूँ, मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में पढ़ा था, तो हम लोग इधर से पिलानी की तरफ जाते थे। और यहाँ पर पीरागढ़ी में इसकी सर्विस भी कराता हूँ, जो MGF टोयोटा भाई बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है, आपको बताया अभी तक ओनरशिप वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में डाल दे तो आप देख लेना। तो चलो अब आपको रास्ते दिखाता हूँ, साथ ही साथ फिर वहीं अब वहाँ पर मिलूंगा, साथ ही वहाँ पर भी मिलेंगे, मतलब उसके जस्ट पहले ही 5-10 मिनट पहले आपको दिखा दूंगा रास्ता। ये लेफ्ट को करनाल, ये देखो ये लेफ्ट को करनाल दिखा रहा है, सीधा रोहिणी आपको दिखाया था। तो ये देखो, तो भाई चलो चलते हैं, आपको रास्ते दिखाता हूँ, 5-10 मिनट में पहले कैमरा खोलूंगा,
उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे क्या करता अगर मैं शूट कर पाया तो। और आपको वापस चीजें बता दो और क्या क्या चाहिए आपको। तो भाई शायद से मैंने बता चुका एक बार, नहीं बता तो फिर भी बता दो। तो आप एक रेड टेप ले लेना यहाँ पर एल लगाने के लिए, और आप साथ एक प्रिंटेड एल भी ले लेना। उसके बाद आपका जो ये फॉर्म वन होता है, जो सेल डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, फिर आपका लर्निंग लाइसेंस हो गया, और ये और आपका वो हो गया लर्निंग लाइसेंस हो गया, फिर आपका आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। जो जैसे मैंने अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, उसका एक फोटो कॉपी ले लो। भाई देखो मेरे को नहीं पता मांगेंगे या नहीं, यहाँ से ले लो लेफ्ट से। हाँ ये इसलिए मतलब पुल के नीचे से ले लो। तो सॉरी भाई ये। और आपको बता दूँ तो फिर आपको और चाहिए एक एप्लीकेशन फॉर्म, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एक महीना पुराना होना चाहिए एटलीस्ट, और फोटो कॉपी का मेरे को पता नहीं। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, गूगल बाबा कभी तो शांत हो जाओ। तो और चीजें बताऊं तो, अरे माफ कर दो यार। और आपको और चीजें बताऊं तो हाँ, और मतलब आपने जो मतलब आईडी प्रूफ वगैरह कोई जो दिया उसकी फोटो कॉपी ले लो, कि भाई देखो मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ, तो मैं आपको बताया तो कोई मेरे कोई भाई धक्के ना खाए, तो मैं आपको बताऊँ फोटो कॉपी आप ले ही जाओ। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में आपको रिकमेंड करता हूँ जो आपको मिल रहा है उसकी फोटो कॉपी लेके ले जाओ, पता नहीं क्या मांग ले। ठीक है, तो वैसे खैर मैं तो सारी आईडी ले ली, ओरिजिनल वगैरह ले ली, उनकी फोटो कॉपी तो खैर नहीं ली मैंने, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट की ही ली है। और अब एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप और जो आपने पेमेंट की उसकी स्लिप भी ले लेना, ये लोग मांगते हैं। तो भाई चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ अभी। भाई अब बस पहुँचने वाले 12 मिनट में। आपको अगर किलोमीटर बताऊँ तो 4 किलोमीटर बचा है, और 950 मीटर में हमें एक राइट लेना, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो ये देखो होपफुली टेस्ट भी पास कर जाओ। भाई डर लग रहा है मेरे को कि भाई सबको देखा इसी गाड़ी में टेस्ट दे रहा हूँ। ये भाई देखो मेरे पास एक फीगो भी थी, फीगो डीजल थी भाई गाड़ी, वो बहुत बढ़िया थी, सेल कर दी गई भाई। डर लग रहा था उसके प्राइस टूट जाएंगे और फिर नई गाड़ी भी लेनी थी। अब खैर कुछ ऐसा हो कि नई कार लेनी पे तो उस चक्कर में इससे देना पड़ेगा। भाई आप बोलोगे आपने दूसरी की गाड़ी क्यों नहीं ली, तो भाई देखो मैं जिससे पूछा कह रहे किसी की गाड़ी कहीं गई है, किसी की खराब है या और किसी एक की, तो गाड़ी की भाई इतनी बुरी हालत है मेरे को तो डर लग रहा था बंद रहना पड़ जाए बीच में, उधर ही फेल कर देता मेरे को, तो उस चक्कर में वो उसकी गाड़ी नहीं ली। अब भाई देखो एक ये एक्सपीरियंस भी हो जाए अगर मैंने इससे टेस्ट पास कर लिया, तो भाई देखो जो बंदा 3-4 साल से चला रहा है छोटी गाड़ी में, तो भाई वो तो आसानी से पास कर लेगा। ठीक है, तो भाई देखो ट्राई करते हैं। ट्राई क्या भाई, होपफुल कि थोड़ा उम्मीद ही है कि अच्छा वो पास हो जाओ तो बढ़िया, तो कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाऊंगा। फिर भी चलो देखते हैं, क्योंकि और मैंने एक पोलो भी चलाई 1 लीटर MPI थी, वो TSI नहीं थी, TSI की मैं उसमें दे रहा हूँ ना कि जैसे मैं डीजल से सीखा हूँ, तो भाई मैं बिना उसको 1 लीटर के चढ़ा उठा रहा हूँ तो भाई झटके मार रही थी वो गाड़ी। तो भाई मैंने कहा पेट्रोल ले जाने से अच्छा मैं इसी को ले जाता हूँ, डीजल गाड़ी ठीक है ये, कि भाई डीजल गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी और चढ़ाई पे चढ़ाने में आसानी भी हो जाएगी। तो भैया अभी एक राइट लेना 400 मीटर। मैं आपको अभी बस 5 मिनट पहले और दिखाया था कि कहाँ से कैसे रास्ता है, तो आपको बता दो एक बवाना रोड आता है। अब बवाना रोड से आप चलते जाओगे, एक नहर को पार करते हुए एक नहर भी आ जाएगी, तो नहर को पार करते हुए आप उस रोड पे 1 किलोमीटर चल के एक राइट आएगा। मैं आपको राइट टर्न तक आपको अभी आपको दिखाया था कौन सा आएगा, उसके आसपास का एरिया भी दिखा दूंगा। तो ये देखो यहाँ से हम राइट ले रहे हैं, आपको ये भी देख सकते हो कितना किलोमीटर आ गया। ये दिखा रहा अंकल 3 किलोमीटर और दिखा रहा। और भाई ये थोड़ा पतला सा रोड है, गूगल बाबा फंसा ही देते कहीं ना कहीं, मेरे को तो फंसा देते बस सही बताऊं, यानी क्यों गूगल से, गूगल को मेरे से क्या दुश्मनी है। एक तो भाई एक बार तो कुतुब रोड में फंसा दिया, जहाँ पर भाई ये छोड़ो ऑल्टो भी नहीं चलती, उधर इतना जाम होता है उस पे। हाँ अंकल वहां तो भाई मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा भाई कनॉट प्लेस से अगर आप 30,000 ही जा रहे हो, मतलब जो कोर्ट है मैंने आपको बताया था, तो मेरे फादर मतलब दोनों लॉयर है, तो भाई हम पापा को लेने जा रहे थे, गूगल मैप के चक्कर में इतना गंदा फंस गए कुतुब रोड पे। अरे भाई 3 घंटा गाड़ी एक हिली नहीं है उधर। तो भाई मैं आपको बोलूंगा कुतुब रोड पे तो जाना मत, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारी गाड़ी का नुकसान भी हो चुका है उधर, एक बार बम्पर भी लॉक निकल गया था। अब एक चीज बताओ इस गाड़ी का एक नेगेटिव और मैं बताना भूल गया भाई, इसके बम्पर के नुक्के बहुत बेकार है। बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, चेसिस की मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इन बम्पर के नुक्के एकदम बेकार है इसके। मतलब मेरी जो फीगो थी अंकल, फीगो के बम्पर के नुक्के ना जल्दी टूटते नहीं थे, इसके बहुत जल्दी टूट जाते, मेरे को रीजन नहीं पता। अभी मैंने हर जापानीज गाड़ी में देखा है भाई, देखो अब कोई ऑफेंड मत होना भाई, मैं देखो मैं खुद जापानीज गाड़ी ओन करता हूँ भाई, इन गाड़ियों में इशू है ये बम्पर, ये इनके नुक्के इतने ढीले होते हैं,
ये जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, अब एंड में इसका यही ऑप्शन होता है। टोयोटा वाले मेरे को कह रहे थे सर बम्पर ही चेंज हो गए, लॉक हमसे ठीक नहीं होंगे, उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिया। तो भाई चलो टाइम पे, अभी तक तो देखो ये एग्जैक्टली 8:30 दिखा रहा है, 8 मिनट और बचे। आप साइज देखते भी रहो। तो ये गाय माता हट जाओ, ऑन नहीं मारना चाहिए लेकिन थोड़ी जल्दी है तो भाई माफ करना उसके लिए। और आप ऐसे टर्न्स में ना जो ब्लाइंड टर्न होता है इसमें एक बार हॉर्न मार दिया करो तो सामने वाले बंदे स्पीड में रहेगा तो स्लो हो जाएगा। अगर बहुत सारे स्लो नहीं होते लेकिन भाई आप अपनी तरफ से बच के चलो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यार ये तो बड़ा पतला रोड है। और अभी आपको एक चीज बता, फीगो होती तो मेरे को डर नहीं लगता भाई, मैं उस गाड़ी के रखरख से वाकिफ था, उसी पर चलानी सीखी तो भाई मेरे को उसमें डर ही नहीं लगता। उसका भी खैर मैं ओनरशिप बनाऊंगा कि भाई बोलोगे गाड़ी नहीं तो कैसे बनाऊंगा, तो भाई देखो ओनरशिप बनाने का बना सकता हूँ मैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो मान तो फोर्ड चली गई लेकिन भाई बाई चांस किसी को सेकंड हैंड लेने तो भाई जरूर ले सकते हो, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंडेड गाड़ी है मेरी तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दी उस गाड़ी ने 7 साल में। एंड में उसने क्लच प्लेट की प्रॉब्लम दी, और क्लच प्लेट भी क्या प्रॉब्लम दी उसने, वो तो चेंज हमने जानबूझ के ही करे, एज अ प्रिकॉशन कराई थी कि भाई फुक ना जाए रास्ते में, खड़े ना हो जाए गाड़ी। और प्लान था कि 1 साल और चला लेंगे लेकिन ये नहीं पता था फोर्ड चली जाएगी उस वजह से हल्की। वैसे हालांकि उसके बाद भी 3-4 महीना चलाई हमने लेकिन भाई सर्विस उसके बाद भी अच्छी लगी एकदम। मतलब आपको बताओ तो फोर्ड के जाने से पहले भी सर्विस कराई, उसके बाद भी मैंने सर्विस कराई, तो भाई कॉस्ट वही आया जो वेबसाइट पे था, कोई ज्यादा हेर फेर नहीं की। और भाई आपको बताऊं तो फोर्ड जैसी सर्विस ये जो गया ना टोयोटा ये भी नहीं दे सकता, सही बताऊं तो। और भाई एक चीज, टोयोटा वाले ना बहुत सारे सर्विस सेंटर लूटते हैं सही बताऊं। अब भाई देखो आप में से कोई कुछ भी कहे, जो मैं फेस किया वो आपको बता रहा हूं। सिंथेटिक ऑयल भी पता नहीं, एंटी डस्ट कोटिंग, रबर कोटिंग ये सब डाल देते हैं, मैं तो हटवा देता हूं। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं कराना, आप नॉर्मल बेसिक सर्विस करो, ऑयल इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर जो आपको चेंज करने करो, और मैं मैनुअल पड़ के जाता हूँ, वो ऐसी कोई फालतू चीज चेंज ना कर दें। तो भाई मेरे को इनके साथ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। फोर्ड में मेरे को था नहीं, मेरे को डर भी नहीं रहता, कभी कर तो मैं चेक भी नहीं करता था, मेरे को तो पता होता था कि ये लोग कुछ फालतू डालते नहीं थे और एंड में सही में फालतू नहीं डालते थे। भाई चलो ये थोड़ा भाषण हो गया फोर्ड पे। खैर आप चाहो तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड गाड़ी है, फिर भी आपको एक बार एक ओनरशिप बता दूंगा कौन कौन से इश्यूज फेस कर सकते, कॉमन इश्यूज वगैरह क्या फेस कर सकते। खैर मेरी गाड़ी ने तो कोई ऐसा कॉमन इशू दिया नहीं उसमें, फिर भी आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या इश्यूज फेस किए थे। तो भैया देखो ये पानी, दिल्ली का हाल बारिश के बाद नाली जाम हो जाती है। अभी चलो मैं आपको अब आरटीओ पहुंचूंगा तब दिखाऊंगा, अभी आपको चलो एक राइट टर्न दिखा देता हूं। तो यहां से आप एक ये जो राइट है यहां से राइट टर्न लोगे, अंकल राइट ले लेना इधर से। यार ये बड़ा पतला रोड लग रहा है, गाड़ी घुसेगी इनोवा? हाँ घुस तो जाएगी यार। हाँ हाँ चौड़ा रोड, ठीक ठाक चौड़ा रोड है, मतलब ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं। तो भाई ये गुड़गांव की गाड़ी है, चलो भाई। अब ये तो बहुत बुरी हालत है, छोटी गाड़ी होती थी यार। भाई ये देखो ये खुला रोड है, ये ऐसे रोड होते हैं भाई मजेदार। हाँ बस ये थोड़ा एक पैच खराब है। अब भाई इसके सस्पेंशन की बात करो, भाई सस्पेंशन तो बहुत बढ़िया है। कह रहे तो व्लॉग है, मैं गाड़ी के बाद ज्यादा नहीं करूंगा, तो रास्ता ही दिखा रहा हूँ। और भी आपको इसके बाद मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, दूसरे वीडियो में नहीं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो भाई चलो आपको अब आरटीओ पहुंच कर बताता हूँ, आप ये रोड देख लो कुछ ऐसा अच्छा खासा चौड़ा रोड है। चलो भाई तो यहाँ पर कुछ लोग बंदरों को खिला भी रहे हैं, नाइस। चलो अच्छा नहीं खिलाना भी चाहिए भाई, जानवरों को अब खिलाया करो। पैच के बाद आएगा फाइनली आने वाला जो रोहिणी सेक्टर 28 का वो है ट्रैक। तो अभी कहाँ दिख, कहाँ से दिखा रहा है, राइट, हाँ राइट से सीधा नहीं लेना। भाई देखो मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया, आपको यहाँ से राइट लेना, आपको दिखा देता हूँ। और भाई एक चीज बता, ये आरटीओ के आसपास का रोड है भाई, इतना गंदा रोड, तो भाई अंदर में क्या हाल होगा मैं वही सोच रहा हूँ यार, बहुत गंदा रोड है। तो भाई यार ये रोड ठीक होने चाहिए, यानी क्यों ठीक नहीं होते। तो ये गाड़ी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी, और अब आपको बता दो मैंने इससे पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की, बस पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस की है मैंने, और चढ़ाने की प्रैक्टिस किया, मतलब जितना स्टीप मेरे को मिल सकता था भाई उस पर चढ़ा के देख ली, मैंने चढ़ा पा रहा हूँ।
और यहाँ पर आपको एक सीएनजी पंप भी मिल जाता है अगर आपको सीएनजी भरवानी है तो। खैर मेरी गाड़ी में तो डीजल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आपको इस कार के माइलेज भी बताया तो माइलेज शहर में 8-9 की देती है, हाईवे पर आराम से 17-18 गाड़ी दे देती है। अंकल 17-18 15 कम से कम 15 लास्ट 15 दे देगी गाड़ी आपको, लास्ट इन द सेंस मिनिमम 15 आपको हाईवे पे दे देगी। अगर 80-90-100 तक भी जा रहे हो इतनी माइलेज दे देगी आपको गाड़ी। तो वही है जापानीज गाड़ियों का क्या है कि जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ती तो वही बात आ जाती है। अब बस यही है इनके गैसोलीन इंजन जो है जो पेट्रोल इंजन से उतने फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, बाकी मेंटेनेंस ज्यादा मांगते नहीं है। भाई देखो अब यहाँ पर यही बात है, देखो भाई हर चीज की केयर करो तो वो दिक्कत तो देगी नहीं। आप गाड़ी की केयर करो गाड़ी आपकी केयर करेगी, सीधी सीधी बात ये होती है। अब भाई देखो टोयोटा भी ये नहीं कहता कि ये अनलिमिटेड किलोमीटर टिक जाएगी, अगर आप सर्विस नहीं करोगे सर्विस करोगे तो भाई ये इंजन ऐसे होते हैं 12 लाख किलोमीटर टिक जाते हैं इनके डीजल इंजन की। अगर मैं बात करूँ सर्विस कराते रहो इनके टाइम टू टाइम। तो भाई चलो बस आरटीओ पहुंचने ही वाले, आपको अब इतनी लंबी क्लिप क्या दिखाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। वही अब आपको वहां पर जब पहुंचने एकदम जस्ट पहुंचने वाला होगा तब आपको दिखा दूंगा कि भाई अभी भी अभी एक मिनट दिखा रहा हूँ और लेफ्ट में इधर कहीं आया है 350 मीटर दूर है अभी। चलो भाई आपको जस्ट पास जब आ जाऊंगा तब दिखाऊंगा। हाँ यहाँ लेफ्ट ही है। हाँ तो भाई आ गए हम, ये ATD है। रुको 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 जी भाई साहब, भाई टेस्ट है। हाँ जी रुको रुको रुको, भाई आ गए हम। हाँ मैंने पीछे भी आपको दिखाया था दोनों साइड आपको लगाना है। भाई देखो एल ऐसे लगा दिया मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स, तो भाई एल लग गए। चलो भाई डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई आगे की क्या कार्रवाई है। चलो जी भाई आ गया हूँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए, आपको भी दिखाया अभी अंदर घुस के। तो भाई यहाँ पर किसी और को घुसने नहीं देंगे जिस सिवाय जिसका टेस्ट है। भाई अब देख लो गाड़ी यहाँ पर बहुत लगी हुई है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा इतनी बड़ी गाड़ी तो भाई लाना मत, और लाओगे तो डीजल लाने की कोशिश करना। पेट्रोल अगर आप चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीजल मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि अब ग्रेडियंट में डीजल को चढ़ाने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं बोल रहा था आपको। और चीज़ अब और मैं आपको अपनी गाड़ी के किलोमीटर्स दिखाऊँ तो चल गई है 1,20,373 किलोमीटर से चल गई, ठीक है। तो वह गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट में अगर इश्यू क्लच प्लेट आप चेंज करा लेना। और चीज़ें बताऊँ आपको तो आप टायर्स एक बार और टायर्स भी चेक करा लेना, अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर करा के आना। और अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम जैसे बंद होने की भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक करा लेना, कि भाई आपकी गाड़ी बंद हो जाए किसी भी रीजन से कुछ नहीं पता तो ये फेल कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैं आपको यहाँ पर ये जो फोन माउंट है आपको दिखा देता हूँ, जो फोन माउंट है इस पर लगा के मैं ड्राइव करते हुए आपको दिखा दूंगा। शायद कुछ बात भी करता और बात मैं शायद से ना कर पाऊँ भाई, आप समझ सकते हो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और भाई आपको एक चीज बताइए, एल लिखा होना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं इस गाड़ी मैं सही बताऊँ मैंने आज पहली बार एल लगाया गाड़ी में, बाकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, मेरे ड्राइवर साहब ने कहा जरूरत नहीं तो ठीक ही चला रहा है। तो भाई ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ अभी बाद में थोड़ी देर में जब ऑफिसर आएंगे, अभी ऑफिसर ही नहीं आया यार, ये बड़ा पंगा होता है। चलो ठीक है मिलता हूँ आपसे भाई, गुड बाय ओके। तो भाई अब जा रहे हैं टेस्ट के लिए, अब आप माउंट पे आ जाओ, माउंट पे देखो मेरे को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और सीट बेल्ट लगा लेते, सेफ्टी फर्स्ट है भाई, ठीक है। मैं इस मेरे को खोल लूँ, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मेरा ना होने का फायदा ही है। तो भाई चलो आप आ जाओ फोन माउंट पे जी भाई, तो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। आप सीट बेल्ट पे जरूर लगाना भाई, इस पे भी फेल है, आपको फेल कर देंगे सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो। भाई चलो फोन माउंट ये भी अपने टेस्ट पास कर चुका है, शीशा डाउन कर लेता हूँ भाई। शीशा डाउन करने में ज़्यादा फायदा है कि मैं ऐसे थोड़ा गर्दन निकाल के देख करना पड़ेगा मेरे को, सीट बेल्ट यूज कर लेता हूँ। जय माता दी। चलो जी भाई स्पार्क ज़्यादा आवाज कर रही है, आपको पता नहीं दिख रही है या नहीं, आपको दिखाता हूँ। ये हो गया स्पार्क ना, ये ज़्यादा आवाज कर रही है, मेरी गाड़ी ज़्यादा आवाज कर रही है यार, पेट्रोल है फिर भी। चलो कोई नहीं, चलो हे भगवान जी पास करा देना, जय हनुमान जी की जय राम जी की। चलो
आपको दिखा भी देते हैं, मैं आपको रोहिणी सेक्टर 28 का भाई वीडियोस में आपको चौड़ा दिख रहा होगा, रियलिटी में उतना चौड़ा है नहीं। चलो आपको मिलता हूँ अभी, अभी मैं जब स्टार्ट होगा तब मैं ऑन कर दूँगा आप। आप जा रहे हो उधर, इंडिकेटर्स का भाई आप लोग ध्यान रखना, इंडिकेटर्स आपको रखने पड़ेंगे। अरे यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करा देंगे। वही मैं वीडियो अभी के लिए बंद कर देता हूँ, सबका मना कर दें। चलो ठीक है, अभी एक बार रुको थोड़ा, चलो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, जब चालू करूँगा तो अब पक्का वाला जब स्टार्ट करूँगा तो जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा रेड लाइट के पास तब मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है चलो भाई, ठीक है विश मिलक, ओके बाय। सो गया मैं, अभी कंफर्म करके बता रहे कि पास हुआ हूँ या नहीं, ये बुलाया अंदर तो चल के देखते हैं भाई क्या। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छा गेट है बहुत आसान। हाँ तो भाई पास हो गया, आसान सा मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। एक चीज बताऊँ आप, मतलब देखो मैं बड़ी गाड़ी से, इतनी बड़ी गाड़ी से अगर मैं पास कर लिया तो भाई कोई अगर 3-4 साल से छोटी गाड़ी से अगर चला रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं है गियर। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं। हाँ मिले मेरे सामने एक भाई था डिजायर के साथ, वो फेल हो गया, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई होगी भाई से। चलो कोई नहीं पास तो हो गए, ये अच्छी बात है। सॉरी आपको दिखा नहीं पाया, शूट करना अलाउ नहीं किया था उन लोगों ने तो। चलो कोई नहीं, आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी। अब आगे घर चल के तो बताते हैं, रास्ते में आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, चल गए वो दर्श। अभी तो यार मतलब खुशी तो हो रही है कि पास हो गया, अभी मैसेज आ जाएगा फिर उसके बाद लाइसेंस भी हो जाएगा फिर उसके बाद। अभी तो खैर अभी चला सकता हूँ, अभी चला नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एग्जॉस्टेड, ऊपर से अंकल अभी मना कर रहे हैं पता नहीं क्यों, और वीडियो में ही बात कर रहा हूँ अंकल। और अभी आपको और चीज़ें बताऊँ अगर तो भाई देखो रिवर्स एसेस में बनवाए, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा हार्ड मेरे को लगा नहीं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा भाई डीजल ही लेके आओ इधर, क्योंकि पेट्रोल में क्या मैं देखा ना ये चढ़ाई ज़्यादा ऊँची। खैर पेट्रोल गाड़ी अभी पास कर पा रही थी, ये मैं देखा भाई चढ़ाई ज़्यादा ऊँची है ये, तो उसके हिसाब से मैं रिकमेंड ही करूँगा डीजल ही ले आऊँ। और बाकी हाँ मैं ये रिकमेंड ही करूँगा इतनी बड़ी गाड़ी लो, मेरे को खैर प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं तो तीन चार बार के ज़्यादा बार ही चला चुका इसको, तो डर तो लग रहा था खैर लेकिन पास हो गए, चलो अच्छी बात है। और भी आपको एक चीज़ बता दें, जो ट्रैक है ना ये वीडियोज़ में आपको ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, उतना चौड़ा है नहीं, ये ट्रैक छोटा है सेक्टर 28 का, लेकिन ट्रैक ठीक है आप इस पर दे सकते हो। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट था, ठीक है मतलब इन द सेंस बहुत रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। तो भाई चलो अब और आगे की बात करते हैं, घर पे और बता देता हूँ, घर पहुँच के आपको और बता देता हूँ और चीज़ें कि आपको और क्या क्या ध्यान रखना है टेस्ट देते समय। चलो ठीक है, हाँ तो भी मैं घर से आ गया था तो आपको बता दो, ये उसके अगले दिन की क्लिप नहीं, उसके अगले के अगले दिन की भी नहीं, ये करीब करीब आपको मैं बताऊँ तो आज की तारीख 3 है। तो भाई मेरे को इतने दिन से टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि भाई बहुत सारी वीडियो शूट करनी थी और बहुत सारी और चीज़ें थी, और मैं खैर इनोवा के भी शूट कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव्स की भी उसके शूट किया। आप वो वीडियो आने वाली है, मतलब कुछ 2-3 दिनों में वो वीडियोज़ भी आ जाएंगी, या हो सकता है मैं डाल चुका हूँ आई डोंट नो। वही मैं आपको बता दूँ उन्होंने मन से बनवाया क्या कहता था। तो एक चीज़ बताऊँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, टेस्ट आसान है। मैंने आपको जैसे पता मैंने इनोवा में टेस्ट दिया था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब आ गया मेरे 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब पढ़ता हूँ तो जैसे मैंने 27 को टेस्ट दिया 29 तक मेरा ओरिजिनल डीएल की कॉपी आ गई थी। ठीक है तो आसान से देखो मैं अगर बड़ी गाड़ी में देख के पास कर सकता तो भाई आप लोग छोटी गाड़ी में आसानी से पास कर लोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले एक रिवर्स एस बनवाया, तो रिवर्स एस में आप सबसे पहले क्या करोगे ना कि आपको कैसे बताऊँ कि सपोज करो नहीं ऐसे नहीं होगा, खैर आप समझ ले क्या आपको क्या होगा ना, जैसे जो एंट्री गेट है आप एंट्री गेट से सबसे पहले आगे एक मतलब एक स्पॉट में घुसोगे वहाँ पर रिवर्स एस लिखा होगा, तो आप क्या करना थोड़ी सी टेढ़ी करके करोगे ना, मतलब जैसे अगर लेफ्ट में ऐसे तो थोड़ा सा लेफ्ट में काट लेना, अगर थोड़ा मतलब सॉरी लेफ्ट में अगर एस है तो थोड़ा राइट में काट के फिर रिवर्स कर लेना, अगर आपका राइट में तो थोड़ा सा लेफ्ट में काट के फिर आप रिवर्स करोगे, आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर ऐसा आसान है ज़्यादा मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आप ध्यान रखना कि आपकी लाइन पे या डिवाइडर पे दोनों में से कोई किसी पे टच नहीं होनी चाहिए। खैर आपको तो मेरे को आरटीओ ऑफिशियल्स ने उधर कहा था कि देखो लाइन का कुछ नहीं है डिवाइडर का है, डिवाइडर पे आपका टायर टच नहीं होना चाहिए, तो मेरे को तो ये कहा, बट आई डोंट नो मैंने फिर भी लाइन तो टच नहीं की, मेरे को इतना अच्छे से जाने में लाइन टच नहीं की। ठीक है उसके बाद उन्होंने मेरे से फॉरवर्ड में 8 बनवाया, तो फॉरवर्ड में 8 में क्या था कि जैसे मैंने रिवर्स एस पास किया तो जब वो खुला मतलब बैरियर जो खुला ऑटोमेटिक बैरियर,
तो मैं रिवर्स इसमें तो क्या होगा, दो राउंड अबाउट होगा, जो मतलब गोल चक्कर जिसको कहते हैं, मतलब जो अगर बताओ जो मतलब दिल्ली में, तो उनको बता दो गोल चक्कर जो दिल्ली के बाहर रहते हैं उसको सर्कल कहते हैं। तो दो सर्कल से वो आपको एट बनवाएंगे। अब एट आपने बना लिया, एट बनाए, एट में क्या है कि आपको मैक्सिमम तीन कर्व हिट अलाउड है, मतलब जो कर्व जो डिवाइडर आप मैक्सिमम तीन बार हिट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप रुक नहीं सकते और आप रिवर्स नहीं ले सकते इसमें, यह चीज़ है ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज करोगे तो फिर आपको फेल कर देंगे, वो कहेंगे आप बाहर आ जाओ, वो फिर उसका जैसे मतलब आप फेल हो जाओगे तो वो कहेंगे आप बाहर आ जाओ ठीक है। उसके बाद जो होगा फिर आपके लिए ओवरटेकिंग का होगा। ओवरटेकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप राइट का इंडिकेटर देना ठीक है। राइट का इंडिकेटर देने के बाद लेफ्ट का इंडिकेटर देना, वहां पर बैरियर होंगे। बैरियर इन द सेंस ट्रैफिक कौनस होंगे, मतलब कोई बैम्बू जैसा कुछ लगा होगा ठीक है। तो आप राइट से इंडिकेटर देके फिर लेफ्ट का इंडिकेटर देना। हाँ तो भाई सॉरी फोन आ गया था तो बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी। हाँ तो भाई मैं आपको बता रहा था कि ट्रैफिक जंक्शन में, वही कौन लगे होंगे, मतलब सॉरी ओवरटेकिंग वाले में। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आप धीरे धीरे निकालो, ऐसे कोई स्पीड का नहीं कि आपको मिनिमम स्पीड रखनी है। ये ध्यान रखना कि आप रोको ना गाड़ी को, आपको रोकनी नहीं है गाड़ी, रोक दोगे तो फेल कर देंगे आपको। और इंडिकेटर्स का ध्यान रखना भाई। और हाँ, इधर का आप ध्यान रखना कि आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स चारों के चारों काम कर रहे हो, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आपने इंडिकेटर दिया होगा, उनको पता चलेगा नहीं, वो आपको फेल कर देंगे ठीक है। और चीजों की बात करें, ये पता नहीं क्या हो रहा है गाड़ी में। हाँ तो पता नहीं इंडिकेटर के नाम पे मेरी गाड़ी क्यों ऐसे कर रही है ठीक है। तो और चीजों की बात करें तो आपके ट्रैफिक जंक्शन के बाद ना एक, मतलब सॉरी ओवरटेकिंग के बाद आपका एक ट्रैफिक आएगा, मतलब एक ट्रैफिक लाइट होगी, वहां पर एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी। तो आपको क्या करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब एक जस्ट, मतलब क्या कहते हैं, जैसे अब वो बैम्बू होगा ना, मतलब लास्ट बैम्बू होगा, लास्ट वाला, जैसे अब लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे वहां पर, उधर जस्ट एक वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आपको रेड लाइट पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रोकना है। अगर आप उस पर आपकी गाड़ी हल्की सी भी आगे गई, आपको फेल कर देंगे वो। और आपको तो ऑटोमेटेड होता है, यहाँ पर आपकी गाड़ी पर सेंसर लगा देंगे, सेंसर लगाएंगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि आपकी गाड़ी आगे गई या नहीं, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। आपका वो जो बोर्ड होता है उस पर फेल या पास भी लिखा आ जाता है, वो मतलब हर टेस्ट के बाद पास या फेल वो लिखा आ जाएगा, आपको बता देंगे। नहीं तो जो मतलब वो MLO होगा, मतलब जो RTO के उधर होते हैं, मतलब जो हेड होता है, जो टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, वो भी आपको बता देगा आगे बढ़ने को, अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, वो मतलब स्पीकर से आपको बता देते हैं ठीक है। तो ट्रैफिक जंक्शन हो गया, उसके बाद आपकी आती है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो आप। चाहो तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम में ड्राइव विद कम एक इंस्टाग्राम उनका अकाउंट है, आप उनकी वीडियो देख सकते हो भाई। उस वीडियो ने भी मेरी बहुत हेल्प की। खैर मेरे को पैरेलल पार्किंग आती थी, आप बोलोगे तो मैं पैरेलल पार्किंग करके दिखा दूंगा ठीक है। पैरेलल पार्किंग कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, देखो बहुत ईजी चीज है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, बता भी देंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आप पैरेलल पार्किंग कर ली, पैरेलल पार्किंग के बाद अब ग्रेडियंट आएगा। अब ग्रेडियंट में क्या होगा कि जैसे पहाड़ों में नहीं होता कि आपकी गाड़ी चढ़ाई पर रुक जाती है, फिर उसके बाद आपको उठानी पड़ती है, सेम वही चीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कि आपकी गाड़ी 12 इंच से ज्यादा पीछे नहीं जानी चाहिए। 12 इंच मतलब आपको दो तो इतना, इससे ज्यादा आपकी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी इससे ज्यादा पीछे गई तो आपको फेल कर देंगे वो लोग। एक चीज मैं आपको बता, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आपकी डीजल कार है तो, डीजल कार है तो भाई बहुत अच्छी बात है, डीजल कार आसानी से उड़ जाती है, क्योंकि क्या होता है इनिशियल टॉर्क उन गाड़ियों में ज्यादा होता है ठीक है। तो क्या करो, क्लच बाइटिंग पॉइंट पे लाके आप ब्रेक भी दबा के रखना, क्लच दबाए रखना, क्लच बाइटिंग पॉइंट पे छोड़ के एकदम तुरंत एक्सेलेरेटर दे देना ठीक है। अब उससे क्या होगा, गाड़ी आपकी तुरंत पार हो जाएगी, आपकी गाड़ी पीछे नहीं गई थी। सेम ट्रिक मैंने अप्लाई की थी। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करना, आप हैंड ब्रेक एंगेज करना। हैंड ब्रेक एंगेज करने के बाद आप क्या करना कि बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को ले आना, उसके बाद आप रेस देना 2000 RPM तक मैक्स, मतलब उससे ऊपर ले सकते हैं लेकिन 2000 RPM तक दोगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन जैसे आपको लगे कि आपकी गाड़ी झटके दे रही है, आगे बढ़ रही है, आप हैंड ब्रेक डाउन कर दो। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद आपकी गाड़ी आसानी से पास हो जाएगी। तो भाई अपग्रेडियंट क्या लास्ट पार्ट है, उसके बाद आपको बता देंगे कि आप पास हो फेल हो। अपग्रेडियंट में भी आपका पास या फेल आ जाता है। तो भाई देखो, अगर आपका अपग्रेडियंट में पास दिखाया जाता है, समझ लो आप पास हो गए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा ठीक है। उसके बाद आप अंदर ऑफिस में जाओगे, उनसे पूछ सकते हो आप, अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, तो वो लोग भी बता देंगे कि भाई आप पास हो या आप फेल हो ठीक है। तो भाई देखो, ड्राइविंग टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बड़ी गाड़ी से दिया, मैंने सबको बताया, मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया कि मैं हाँ बड़ी गाड़ी से दिया है मैंने टेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से दे सकते हो। भैया देखो, अगर कोई बड़ी गाड़ी से पास हो रहा है, छोटी गाड़ी से भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखें, घबराना मत कि भाई मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सुनी थी, मैं भी डर गया था
मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मेरे को इतना था कि मैं पास हो जाऊंगा, कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा भाई, सही रियलिटी मैंने भी देखा था। आप लोग टेंशन मत लो, एकदम आराम से जाओ, फ्री माइंड के साथ जाओ। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी तो भाई आप जरूर से जरूर आप आराम से दे सकते हो टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई उम्मीद करता ये कुछ ऐसी वीडियो थी, मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता आपको पसंद आई ही होगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाओ, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखने, मतलब मैं वॉक अराउंड की भी वीडियोस डालता हूँ, ड्राइव रिव्यूज डालने की कोशिश करूंगा अभी, कि भाई मेरे को ड्राइव रिव्यू के लिए कार नहीं मिल पा रही है, और मैं ओनरशिप वीडियोस भी अभी शूट करने वाला हूँ। अगर भाई किसी भाई को ओनरशिप वीडियो अगर अपनी कार का देना है तो भाई जरूर मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आप वहाँ पर मेरे को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कि भाई तो भाई मैं ओनरशिप वीडियो जरूर बना दूंगा। और भाई मैं आपको एक चीज़ और एक टिप दूंगा मैं, कि आप एक ना ट्रैक जरूर देख लेना कि आपका ट्रैक कैसा है। जैसे मैं रोहिणी में गया था, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रैक आपको गूगल मैप पे वीडियोस में दिख रहा है तो हो सकता है वो उससे कुछ बड़ा दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। मेरे साथ सेम वही चीज हुई, रोहिणी का जो मतलब सेक्टर 28 का था, तो वो ट्रैक ना मेरे को वीडियोज में बड़ा दिख रहा था, लेकिन था वो छोटा, मतलब वीडियो के कंपेयर में तो छोटा ही था वो। और चीजों की बात करें तो भाई आप मैकेनिकली आप देख लेना कि आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट ठीक होगी, आप ग्रेडियंट में वरना आपको इश्यू आएगा, और आपके चारों के चारों इंडिकेटर्स काम करो। इसके अलावा आपको गाड़ी में देखने की कोई जरूरत नहीं आ रहा, आप अगर आपकी गाड़ी में इंजन लाइट आ रही है, आपका कोई क्रैंक या कैम सेंसर खराब है, वो चेक करा लेना, ठीक है, वो या तो चेंज करा लेना या तो ठीक करवा लेना, मतलब कोई चेक इंजन लाइट वगैरह आ रही है तो देख लेना उसको, रेक्टिफाई करा लेना। नहीं तो क्योंकि आपकी कार भी अगर बंद होगी, स्टॉल होगा, उनको लगे भाई स्टॉल हो गई आपसे गाड़ी, तो उधर भी फेल कर देंगे। सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखना कि सीट बेल्ट लगा के ही टेस्ट चालू करना, वरना वो आपको फेल कर देंगे। तो भाई यही थी कुछ वीडियो, तो भाई मिलते हैं एक अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, अब मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। तो भाई अरे हाँ, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, एकदम फ्री माइंड के साथ ओके। तो भाई बाय, मैं आपसे कल मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, ओके बाय।